जिलाधिकारी के साथ साथ कई पदाधिकारियों ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। छठ पर्व में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन खुद हर छठ घाट का निरीक्षण करते दिख रहे हैं। उनके साथ वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार भी हर छठ घाटों का निरीक्षण करते हुए परेशानियों को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त से उसे जल्द दुरुस्त करने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा, हर वर्ष बरारी पुल घाट में सबसे ज्यादा छठ व्रतियों की भीड़ लगती थी, लेकिन इस बार घाट काफी दुरुस्त नहीं हो सका है, जिसके लिए पुल घाट के पश्चिम क्षेत्र में श्रद्धालुओं को अर्घ देने में सुविधा होगी। इसलिए लोगों से भी पश्चिमी क्षेत्र में गंगा घाटों का उपयोग करने की बात कही। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा गंगा घाटों का निरीक्षण मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के साथ साथ नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, एसडीएम धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय चौधरी, नगर निगम के कई पदाधिकारी और जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। हम लोग देख रहे हैं विभिन्न छठ घाटों को, तो इस बार जैसा कि आप लोग भी सब लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि जो पहले का पुल घाट हुआ करता था विक्रमशिला पुल के नीचे, तो एक तो वहाँ जो फोर लेन पुल का निर्माण होना है, नए पुल का, उसके कारण से थोड़ा सा जो है वहाँ डिस्टर्बेंस हो गया है। दूसरा, नदी का भी जलस्तर इस बार नीचे चला गया है, तो उस पोर्शन में जो है हम लोग अभी काम करवा रहे हैं, नगर निगम करवा रहा है काम, लेकिन हो सकता है कि वहाँ जो है लोगों को छठ करने में उतना बड़ा घाट जो है उस साइड में, पूर्व साइड में अवेलेबल ना हो पाए, लेकिन जो इधर का पोर्शन है पश्चिम साइड का, इसमें आपका जो सीढ़ी घाट पुराना जो होता था और जो नया जो हम लोगों का रिवर फ्रंट जो स्मार्ट सिटी के तहत बन रहा है, उसके बनने के कारण पूरा कनेक्ट हो गया है बरारी पुल घाट और उधर का सीढ़ी घाट का पोर्शन, और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर स्पेस भी मिला है, और जिससे श्रद्धालुओं को, जितने छठ व्रती हैं उनको जो है अपना पूजा करने में, अर्घ देने में काफ़ी सुविधा होगी। जो श्रद्धालु आते हैं काफ़ी संख्या में, उनको भी आने जाने में सुविधा होगी। तो इस पोर्शन पे हम लोगों का विशेष ध्यान है और हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से इसको प्रचारित प्रसारित भी कराने जा रहे हैं कि जो लोग बरारी घाट की तरफ छठ करने के लिए आ रहे हैं वो इस साइड में, जिधर सीढ़ी घाट है उस तरफ, उस साइड को प्रेफर करें, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है घाट भी है, सीढ़ियाँ भी बन रही है, तो लोगों को अर्घ देने में, लोगों को बैठने में सुविधा होगी। नगर निगम की टीम लगी हुई है, चूँकि स्नान का कार्यक्रम भी जो है लगातार चल रहा है, पुराना ये घाट है, यहाँ काफ़ी संख्या में दूर दूर से लोग आते हैं, तो साफ़ सफाई की स्थिति को और बेहतर करने के लिए नगर आयुक्त को बोला गया है, वो खुद कैंप करेंगे और इस पूरे परिसर को, जो ये पूरा क्षेत्र है, इसको साफ़ सफाई आज भी और कल भी जो है इंश्योर कराएंगे, ताकि किसी तरह की समस्या जो है श्रद्धालुओं को ना हो। इसके अतिरिक्त कुछ अच्छे घाट भी काफ़ी संख्या में भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में निकले हैं, जैसे बूढ़ानाथ है, जहाज़ घाट है, आदमपुर वाला जो एरिया है, उसके अलावा जो आप देखेंगे मुसहरी घाट है, वहाँ भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जा सकते हैं। सबौर की तरफ भी हम लोगों ने कल देखा है, वहाँ भी काफ़ी लोग शहर के जाते हैं, तो वहाँ भी सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं हम लोग जो है वो स्थानीय प्रशासन के तरफ से, जो वहाँ का नगर निकाय है, पूजा समितियाँ हैं, सबके तरफ से हम लोग करा रहे हैं। पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स की भी पर्याप्त प्रतिनियुक्ति की गई है, ट्रैफिक प्लान भी हम लोग शेयर कर देंगे, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं 1800 से ज़्यादा, ICCC जो है पूरी तरह से फंक्शनल रहेगा, जहां से एक एक घाट के और आने जाने वाले रास्तों की निगरानी होगी। लोगों से भी अपील है कि शांति और सौहार्द के साथ जो है छठ पूजा को सेलिब्रेट करें, यही हम लोगों की सभी लोगों से अपील है। और सभी पार्टी में सबके घाटों के बल मिनिस्टर की तैनाती की जा रही है, गोताखोरों की तैनाती की जा रही है, और जो घाट में जो खतरनाक जहाँ पर जलस्तर है वहाँ पर बैरिकेडिंग करके वहाँ पर झंडा भी लगाया जा रहा है। SDRF की तरफ से, हाँ, उसकी SDRF की भी टीम यहाँ पर घाट पर मौजूद रहेगी और गोताखोरों की भी टीम रहेगी, ताकि किसी अगर प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग और हम लोग अच्छे से इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से मना सकते हैं। देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।